अभी तक हमने ब्रश टूल कवर किया है। इसके अलावा एक और टूल है जो कि हम देखेंगे, वो ब्रश का जो आइकॉन है उसी को आप प्रेस एंड होल्ड करें तो नीचे मिक्सर ब्रश टूल आता है, इसको हम थोड़ा सा यूज़ करके देखेंगे। और कलर रिप्लेसमेंट टूल के भी कुछ स्पेसिफिक यूसेस होते हैं, वो भी हम ट्राई करके देख लेंगे। अभी अगर हम एक नया ऑब्जेक्ट बनाएं, उसको स्टार्ट करते हुए हम जो है वो ब्रश टूल से, नॉर्मल ब्रश से भी बना सकते हैं, और ये भी हो सकता है कि हार्ड लाइट में, जो हमारे पास दो कलर्स यहाँ मौजूद हैं, एक लाइट और एक डार्क, उनके साथ एक स्ट्रक्चर जो है वो क्विकली बना लिया जाए। अभी तक जो चीज़ें हमने बनाई हैं वो एक तरह से प्रोसीजरली बन गई हैं, मतलब मोस्टली ब्रश के साथ जो है वो एक ही यूनिट है, उसको बार बार अप्लाई करके, जैसे घास है या पत्ते हैं वो बन गए, तो इसमें इतनी प्रॉपर पेंटिंग इन्वॉल्व नहीं हुई, इतना स्ट्रक्चर नहीं बनाना पड़ा। तो मैं चाह रहा हूँ कि एक स्ट्रक्चर भी बीच में बना दूँ, एक बड़ा सा स्टोन का बना हुआ हेड मैं बनाने की कोशिश करूँगा, जिस तरह ईस्टर आइलैंड के हेड्स हैं, उस तरह का नहीं, बट बेसिकली एक स्टोन का हेड जो है वो इसी घास में पड़ा हुआ, उसे मैं ड्रॉ करूँगा। अच्छा, जो बेसिक ड्राइंग करनी है उसके लिए थोड़ा एक टेक्सचर्ड ब्रश चाहिए होगा, तो आप अगर ब्रशेज में जाएँ तो एक चीज़ आप देखेंगे कि इसमें सिर्फ ब्रश का स्ट्रोक आ रहा है। अब अगर आपने स्क्रैच से ब्रश बनाना हो तो उसमें एक चीज़ आपको चाहिए होगी, वो ये है कि आपको ब्रश की टिप शेप भी नज़र आए। उसके लिए आप जो है वो इस ब्रश को सिलेक्ट करके राइट क्लिक करेंगे तो आपके पास जो है वो ब्रश की ऑप्शंस आ जाएंगी, उसकी जो ये ग्रारी बनी हुई है इसको क्लिक करें तो यहाँ पे ब्रश नेम, ब्रश स्ट्रोक आया हुआ है। ब्रश नेम की इतनी ज़रूरत नहीं है अनलेस कि आप अपने ब्रशेस को नेम करते हो, या जो है वो आप बने बनाए ब्रशेस यूज़ करना चाह रहे हो जिसके नेम के थ्रू आप उसे पिक करेंगे। ब्रश टिप शेप जो है वो इम्पोर्टेंट है, तो ये यहाँ पे आ गई। ये आपने देखा होगा मैंने किस तरह किया, कि इसकी सेटिंग्स में जाके और ब्रश टिप को आपने क्लिक कर दिया। अब अगर आपने अपना एक ब्रश बनाना है तो उसके लिए आप यहाँ पे देख सकते हैं कि बेसिक वो शेप क्या है कि जिसकी रेपिटेशन से आपका ब्रश जो है वो उसका स्ट्रोक बन रहा है। इसमें जो डिफरेंट शेप्स अवेलेबल हैं उसमें से आप देख सकते हैं, मुझे अभी एक टेक्सचर चाहिए तो आई विल सी के ये जो ब्रशेज अवेलेबल हैं इसमें से कोई ऐसा मार्क हो कि जिसको मैं यूज़ कर सकूं। खैर, उसमें मुझे नज़र नहीं आया, ये कुछ ब्रशेज मेरे अपने हैं, उन्हीं को मैं यूज़ कर लूँगा। अच्छा, ये एक ब्रश है, इसके अंदर इतना ज़्यादा टेक्सचर नहीं है, टेक्सचर को ऐड करने के लिए थोड़ी रैंडमनेस बीच में लानी होगी, थोड़ा इसका एंगल जिटर मैं बढ़ा दूँगा। ओके, अब बेसिक स्ट्रक्चर ड्रॉ करने के लिए क्विकली, जैसे मैंने कहा था, आप नॉर्मल ब्रश से भी कर सकते हैं और आप डिफरेंट तरह के ब्रशेस यूज़ करके देख सकते हैं। अभी मुझे इसके अंदर जो है वो ट्रांसफ़र में थोड़ी सी प्रेशर सेंसिटिविटी चाहिए, क्योंकि बहुत क्विकली जो है ये टोन्स अप्लाई कर रहा है। तो अब ये डार्क और लाइट को जो है वो वेरी करके उससे मैं क्विकली एक फॉर्म बनाने की कोशिश करूंगा। लेफ्ट से लाइट आ रही है तो राइट वाला पार्ट जो है उसके फेस का वो मोस्टली डार्क होगा, और लेफ्ट वाला पार्ट जो है वो लाइट होगा।
क्विकली मैंने बना तो लिया है, इसकी प्लेसमेंट अगर मैंने चेंज करके देखनी है तो उसके लिए मैं सिंपली इसको लिफ्ट करके जो है वो एक और जगह प्लेस कर सकता हूँ। कोई बहुत ज़बरदस्त नहीं लग रहा। थोड़ा बड़ा बन गया था। खैर अच्छा, नॉर्मल में नॉर्मल ब्रश में ये लिमिटेशन है कि आप जो कलर्स आपने पिक किए हैं आप उन तक लिमिटेड रहते हैं लाइट्स एंड डार्क्स अप्लाई करते हुए। अब अगर इसकी जगह मैं हार्ड लाइट यूज़ करूँगा तो मेरे पास ये ऑप्शन आ जाएगी कि जो डार्कर कलर है वो जितना अप्लाई होता जाएगा वो और डार्क करता जाएगा, और जो लाइटर कलर है वो जितना अप्लाई होगा वो और लाइट करता जाएगा। ड्रॉबैक उसका ये है कि वो सिर्फ और सिर्फ कलर को लाइट या डार्क नहीं कर रहा होता, वो साथ साथ कलर की सैचुरेशन को भी बढ़ा देता है। लेकिन ये कि आप जो कलर चूज़ कर रहे होते हैं वो अगर आप थोड़ा अनसेचुरेटेड कर लें, आप अगर यहाँ पे कलर में देखें तो आप इस तरफ जाते हैं तो वो ज़्यादा सेचुरेटेड हो जाता है, इस तरफ जाते हैं कम सेचुरेटेड हो जाता है। तो इस वक्त हार्ड लाइट के साथ इसको थोड़ा सा मैं डेवलप कर रहा हूँ। अच्छा, यहाँ पे मिक्सर ब्रश टूल का यूज़ भी देख लेते हैं। अभी इसके अंदर लाइट्स काफ़ी ज़रूरत है, अभी इसको जूम आउट करके मुझे देखना होगा कि ओवरऑल लाइटिंग के मुकाबले में ये कैसा लग रहा है। इसके जो स्ट्रोक्स आ रहे हैं अगर उनको मुझे ख़त्म करना हो तो उसके लिए मिक्सर ब्रश टूल जो है वो काफ़ी यूज़फुल हो सकता है। ब्रश को अगर आप क्लिक करेंगे, प्रेस एंड होल्ड करेंगे तो आपके पास बॉटम पे ब्रश के आइकॉन में मिक्सर ब्रश टूल आ जाता है। मिक्सर ब्रश टूल में यहाँ पे ऊपर आपके पास काफ़ी सारी ऑप्शंस हैं। इसमें डिफरेंट सेटिंग्स होती हैं जो डिफरेंट पर्पसेस के लिए यूज़ होती हैं। इसकी एक सेटिंग जो है, जो इस वक्त सेटिंग हुई हुई है उसमें ये इसकी मिक्सिंग और जो इसका ये वेट है वो कम हुआ हुआ है, और अगर इस वक्त इस मिक्सर ब्रश टूल को अप्लाई करेंगे तो जो भी कलर है आपका ये उस कलर का स्ट्रोक अप्लाई कर देगा। लेकिन ये कि मिक्सर ब्रश का जो है वो सही जो बेनिफिट होता है वो ये होता है कि आप अगर इसका जो ये वेट है या इसके जो मिक्स है इसको आप ज़्यादा कर दें और इन सेटिंग्स को देख लें। ये सेटिंग ये है कि ये कलर जो है वो ब्रश, इस पे लिखा हुआ नहीं आ रहा, हाँ कि ये हर स्ट्रोक पे दोबारा ये कलर जो है जो फोरग्राउंड कलर है उसको लोड करता है। तो बेसिकली ये ब्रश जो है वो जो जिस सरफेस के ऊपर अप्लाई हो रहा है उसका कलर नहीं उठाता बल्कि हर दफ़ा दोबारा यही कलर उठाता है। और ये सेटिंग ये है कि आपका ब्रश हर दफ़ा साफ़ करता है कि आपका जो ब्रश है वो जो पेंटिंग का कलर है वो उसको ना उठा सके। तो बेसिकली इस वक्त इसकी जो सेटिंग की हुई है इसमें अगर आप अप्लाई करेंगे, जब मैंने इसका वेट को काफ़ी ज़्यादा इंक्रीज़ कर दिया है, मिक्स को काफ़ी ज़्यादा इंक्रीज़ कर दिया, तो बेसिकली ये जो कलर्स पेंटिंग के अंदर हैं उन्हीं को आपस में मिक्स करता जाएगा।
इसको अगर आप साथ साथ जो है साफ़ करते जाएं तो ये एक कलर उठा के उसको दूसरी जगह अप्लाई नहीं करेगा। ये वाला बटन जो है वो ब्रश को साफ़ करने का है। इसमें ये होगा कि ये लास्ट स्ट्रोक पे जो भी कलर इस पे लगा होगा वो इसका साफ़ हो जाएगा और कलर्स इसके ऊपर स्टे नहीं करेंगे। वरना ये कि अगर आप इसको हटा दें तो आप देखेंगे कि ये जो है इसमें आ रहा है कि ये कौन सा कलर अप्लाई कर रहा है। जिस एक जगह इसने कलर किया वहाँ का कलर ये उठा लेता है और फिर ये जाके दूसरी जगह अप्लाई कर देता है। तो ये काफ़ी एक नेचुरल मीडियम की तरह बिहेव करता है। अगर आप इसको क्लिक कर देंगे तो ये ब्रश साथ साथ साफ़ होता जाएगा, मतलब ये कि ये कलर जो है वो उठा नहीं रहा होगा। और ये वाला जो टूल है इसको अगर आप क्लिक करेंगे तो ये जो आपका फोरग्राउंड कलर है वो अप्लाई करना शुरू हो जाता है। वो भी आपको नहीं चाहिए, आप चाहते हैं कि ये प्योरली जो है ये जो कलर्स यहाँ पे अप्लाई हुए हुए उनको मिक्स करे बस, अपना कलर ना अप्लाई करे और ना जो है वो इसका ब्रश गंदा हो जाए कि वो जिस कलर के ऊपर पहले यूज़ हुआ है वो कलर दूसरी जगह अप्लाई करता जाए। तो मैंने ये ब्रश को साफ़ करने का क्लिक किया हुआ है, ये जनरली इधर शो हो जाता है लेकिन अभी इसके ऊपर माउस हवर करने से इसके ऑप्शन का वो डिस्क्रिप्शन नहीं आ रही, तो यू जस्ट हैव टू गो बाय वर्बल डिस्क्रिप्शन कि ये जो है ये फोरग्राउंड कलर उठाता है ये वाला पार्ट, और ये वाला पार्ट जो है वो ब्रश को साथ साथ साफ़ करता है। जैसे कि आपने देखा है साफ़ ना हो तो यहाँ पे वो दूसरा कलर आने लगता है। और इस वक्त जो है इसकी सेटिंग ऐसी है कि ये मिक्सिंग के लिए यूज़ हो सकता है और कलर को स्मूथ करने के लिए यूज़ हो सकता है। जो दूसरी सेटिंग थी जो आपने पहले देखी थी वो उसका भी यूज़ मैं आपको बता देता हूँ। वो जो है वो मिक्सर ब्रश को अगर आपने एक नॉर्मल ब्रश की तरह पेंट करने के लिए यूज़ करना हो तो उसके लिए वो सेटिंग यूज़ होती है। इस वक्त तो ये कलर स्मूथ कर रहा है लेकिन ये कि अगर आपने मिक्सर ब्रश से ही पेंट करना है तो आप पहले ये दबाते हैं कि ये हर दफ़ा कलर लोड करे, उसके बाद आप इसके जो मिक्स और जो वेट है उसको लो कर देते हैं। तो अब ये जो है वो एक नॉर्मल ब्रश की तरह पेंट करने के लिए यूज़ होता है, लेकिन ये कि उस पेंटिंग में थोड़ी थोड़ी मिक्सिंग भी हो सकती है। तो ये भी एक पेंटिंग टूल है, अगर इसको आप प्योरली पेंटिंग के लिए यूज़ करना चाहते हैं तो वो भी आपके पास ऑप्शन है। या ये कि अगर आप इसको कलर्स मिक्स करने के लिए यूज़ करना चाहते हैं तो आपने देखा है कि मिक्सिंग की सेटिंग थोड़ी फ़र्क है और पेंटिंग के लिए इसी टूल को यूज़ करने की सेटिंग थोड़ी फ़र्क है। आप इन दोनों सेटिंग्स को अलग से सेव भी कर सकते हैं। जैसे अब ये एक मिक्सिंग के लिए सेटिंग थी, सॉरी ये पेंट करने के लिए सेटिंग थी, तो आप जो है वो आपने जो भी इसका नाम रखना है वो आपने इसको सेव कर दिया। और इसके बाद जो इसकी मिक्सिंग के लिए सेटिंग थी उसमें फिर ये वेट को आपने इंक्रीज़ किया, मिक्स को इंक्रीज़ किया, कलर फोरग्राउंड कलर उठाने से इसको आपने मना कर दिया, जो ये ब्रश को साथ साथ साफ़ कर रहा है इसको आपने जो है वो अलाउ कर दिया। अब आप देखें कि ये जो है वो कलर अप्लाई नहीं कर रहा, कलर को मिक्स कर रहा है। अच्छा वेरी क्विकली इसको रैप अप करने की कोशिश करता हूँ मैं। ये जो एक एग्ज़ाम्पल थी इसको यहाँ पे रखने की ज़रूरत नहीं है, इसको डिलीट कर दिया। इसको थोड़ा सा ग्राउंड के ऊपर रखा हुआ नज़र आना चाहिए, ये कुछ अलग नज़र आ रहा है। अच्छा अगर मैं इसके किसी पार्ट को इरेज नहीं करना चाह रहा, कुछ पार्ट्स तो जो है वो इसके इरेज होंगे, लेकिन जहाँ पे घास इसके आगे आ रही है आई थिंक
उसको इरेज करना जो है वो इसकी परमानेंट एक तरह की प्लेसमेंट कर देगा। तो जिन पार्ट्स को नीट करना है उनको इरेज करके रिमूव कर दिया, और जिन पार्ट्स के आगे घास आ रही है आई थिंक इरेज करने से बेहतर है कि उनको मास्क कर दिया जाए। तो इसके ऊपर मास्क अप्लाई करके और ब्लैक में जहाँ जहाँ घास है वहाँ पे थोड़ा थोड़ा मास्क कर दिया। इसका फायदा ये होगा कि परमानेंटली ये एरिया जो है वो रिमूव नहीं हुआ। इसकी प्लेसमेंट कहाँ की जाए? घास को थोड़ा और बड़ा कर देता हूँ। अब अगर मैं इस मास्क को इस पर से हटाऊंगा तो इसकी ड्राइंग जो है वो नीचे से फिर भी कंप्लीट होगी। थोड़े इसमें लाइट्स ऐड करने क्योंकि बाकी इन्वायरमेंट जो है वो काफ़ी शार्पली लिट है, ये उसके मुकाबले में थोड़ा डल लग रहा है। इसके अंदर जिस तरह बाकी सारी इन्वायरमेंट जो है उस पे जो लाइट आ रही है वो आई थिंक कलर डॉज में थी, तो थोड़ी सी उस पे भी उस तरह की लाइट देनी पड़ेगी ताकि ये उसके साथ कंसिस्टेंट लगे। और ओपेसिटी कम करनी है। कलर डॉज, लिनियर डॉज जो है ये बहुत शार्पली कलर्स को और टोन्स को जो है वो अफेक्ट करते हैं, तो इसलिए अक्सर इनको आप ओपेसिटी लो करके अप्लाई करते हैं। इस हाईलाइट से ये थोड़ा डिफाइन भी हो रहा है। मैंने कलर रिप्लेसमेंट टूल की बात की थी कि कलर रिप्लेसमेंट टूल भी यूज़ करके देखेंगे। लेट्स सी, अगर हम इसके ऊपर एक स्ट्रीक किसी और कलर की डालना चाह रहे हैं तो वो कलर रिप्लेसमेंट टूल यूज़ करके देखते हैं कि पत्थर है, पत्थर के अंदर जो है वो मार्बलिंग भी होती है, तो हार्डनेस इसकी कम करके और इसका ब्रश शेप देख लेते हैं। ब्रश शेप यहाँ पे ब्रश शो तो नहीं हो रही। खैर, कलर को थोड़ा सा वेरी करके थोड़ा सा ग्रीनिश कलर इसके ऊपर अप्लाई करके देखते हैं। लेट्स सी के वो इसके साथ कितना सक्सेसफुली ऐड हो सकता है। तो बहुत स्ट्रॉन्ग ग्रीन कलर है। डजेंट लुक वेरी नेचुरल, बट एनी वे आपने इसका यूज़ देख लिया कलर कलर रिप्लेसमेंट टूल का। इसका साइज़ जो है वो पेन प्रेशर के साथ वेरी कर तो रहा है। थोड़ा सा इसको और यूज़ करके देखना चाहिए, ये इससे भी अच्छे रिजल्ट्स आ तो सकते होंगे। इसका थोड़ा सटल यूज़ करने के लिए आपको जो कलर वेरिएशन रखनी है उसको थोड़ा सटल रखना होगा। खैर, हियर इट इज। बाकी जो है आप
थोड़ा सा इस के ऊपर डार्क्स भी अब अप्लाई कर सकते हैं। दोबारा ब्रश टूल पे जाके और मल्टीप्लाई के साथ जैसे बाकी सब चीज़ों पे हल्के से डार्क्स अप्लाई किए हैं, तो हल्के से डार्क्स इस पे भी अप्लाई करके देख लें। और थोड़ा सा ये है कि जो घास इसके अराउंड है थोड़े से उसके रिफ्लेक्शंस भी इस पे आएंगे, तो वी शुड सी के वो हम कलर डॉज में फिर हल्का सा ग्रीनिश कलर के साथ उसके रिफ्लेक्शंस दे दें। कलर डॉज को मैं थोड़ा डार्क कलर के साथ यूज़ कर रहा हूँ ताकि अचानक बहुत ज़्यादा जो है वो स्ट्रॉन्ग कलर ना दे दें। जो बहुत ही वीक कलर दे रहे हैं, बट जो रिफ्लेक्शंस हैं वो वैसे भी माइल्ड ही होंगे। तो आई थिंक दिस इज़ फाइन। और एक दफ़ा फिर मिक्सर ब्रश के साथ थोड़ा सा मिक्स करके देख लेते हैं। इसकी सेटिंग्स इस वक्त जो है वो मिक्सिंग के लिए हैं। ये कलर पिक कलर्स साथ साथ साफ भी हो रहे हैं ब्रश, और ये कोई कलर पिक भी नहीं कर रहा, तो इन कलर्स को थोड़ा सा दोबारा ब्लेंड करके देख लेते हैं। अच्छा, ये भी एक चीज़ आप देख सकते हैं कि ये सैम्पल ऑल लेयर्स पे अगर हो तो फिर ये अपने इर्द गिर्द की जो सराउंडिंग है उससे भी कलर्स उठा रहा होता है, तो ये घास के कलर्स भी साथ साथ उठा रहा होगा अगर ये सैम्पल ऑल लेयर्स पे है। तो इसको आमतौर पे आप सैम्पल ऑल लेयर्स को अनचेक कर देते हैं। ये ऑलमोस्ट बन गया। घास के ऊपर थोड़ा सा इसका जो शेडो है वो देना है, तो उसके लिए जो है वो ब्लू में आप मल्टीप्लाई में हल्का सा घास पे जाके और शेडो अप्लाई कर सकते हैं। हल्का सा शेडो इसके ऊपर भी आ सकता है। एंड आई थिंक दैट्स इट फॉर टुडे।